हाई प्रिंट आरसीडी हम बात करने वाले हैं ईसीएस टीजीआर टी10 लीग का आज का जो फर्स्ट सेमीफाइनल मैच होगा जो खेले जाने वाला है बीआरएन वर्सेस बीसीसी के बीच में शुरू का मैच का टाइम रहने वाला है आज दोपहर 2:30 में शुरू होगा। वेदर की बात करें तो मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। वेन्यू देखें सेम ग्राउंड पर मैच है। पिच रिपोर्ट की बात करें आर्टिफिशियल विकेट है। एवरेज इसको 90 से 100 के बीच में बनने वाला है। वेन्यू रिकॉर्ड देखें टोटल 55 मैच कंप्लीट हुए हैं। 26 मैच जीते बैठे टीम ने 28 मैच में चेंज हुआ है। एक मैच नॉट रिजल्ट रहा है। तो बात कर ले सबसे पहले बीआरएन की टीम की। तो टीम की बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाके सब्सक्राइब कर लेना है। वो टेलीग्राम से जो उन्होंने आपके लिए काफ़ी जरूरी हो जाता है क्योंकि वहाँ पर ही आपको अपटाटोस फाइनल टीम और प्लेइंग 11 मिलने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दूसरा जहाँ कमेंट करते हो वहाँ पर ऊपर आपको पिन के ऊपर मिल जाएगा। तो जैसे हमारे कमेंट पर आप टेलीग्राम चैनल पहुँच जाओगे वहाँ ज्वाइन हो सकते आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। बात कर ले बीआरएन की टीम की। यहाँ पर 6 मैच खेली टीम, 1 मैच हारी, बाकी लास्ट 5 मैच विन किए हैं। लास्ट मैच विन की थी मोहम्मद रतुल ने, युग वारियर ने। मोहम्मद रतुल की बात करें 59, 32, 45, 19, 22 और 17 रन पूरे 6 मैचों में ना बैटिंग से सुपर पॉइंट आपको दिए हैं। युग वारियर 2 नो बैटिंग 8 रन है। 2023 में टी10 के 7 मैच में 23 रन है। नूर खांडे 5, 24, 35, 44 नॉट आउट, 29 नॉट आउट और 1 रन है। पहला और लास्ट दोनों मैच ऐसा गया जिसमें बैटिंग से कुछ नहीं कर पाए, बाकी 4 मैचों में अच्छी बैटिंग की है। टैलेंट स्टेन 4, 10, 8, 28, 40, 1 रन है। 2023 में टी10 के 11 मैच में 174 रन है। नवीद अहमद 9 बैटिंग 4 विकेट 9 बैटिंग 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट है। यहाँ पर ये ना आपके लिए 3 मैच में बॉलिंग से विकेट निकाल पाए हैं। शैलेंद्र सोलंकी 0 विकेट 0 विकेट 17 और 1 विकेट है। मेहताब कान 34 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट है। यहाँ पर पहले 3 मैच में इन्होंने बॉलिंग की, विकेट नहीं मिला, पर लास्ट के 3 मैचों में विकेट निकाल के आ रहे हैं। सत्यजीत सेन गुप्ता की बात कर लें 24 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 25 नॉट आउट 2 विकेट है। यहाँ पर लास्ट मैच में ना बंदे ना बैटिंग बॉलिंग सुपर की है। नीरज मिश्रा 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट और 1 विकेट है। एक ही मैच ऐसा गया जिसमें कुछ नहीं कर पाया, बाकी 5 मैचों में विकेट इन्होंने निकाले हैं। सुरेश राम राव की बात कर लें 2 यहाँ से 3 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट और 1 विकेट है। एक ही मैच ऐसा गया था जिसमें ये विकेट नहीं निकाल पाए, बाकी 5 मैचों में विकेट इन्होंने निकाले हैं। प्रतीक पांड्या रिकॉर्डिंग का डाउन है। बात कर लें बेंच की, तो बेंच में जो भी खेलता है जानकारी आपको टेलीग्राम पर ही मिलने वाली है। देख लेते हैं स्टार्टिंग और डेथिंग ओवर। स्टार्टिंग के ओवर डाले जाएंगे यहाँ से एन मिश्रा, एस राम राव, एस एन गुप्ता। डेथ के ओवर डाले जाएंगे यहाँ से एस राम राव, एम खान, एन मिश्रा। जो डेथ में बॉलिंग करेगा वो हमेशा आपके लिमिटेड देने वाले हैं। बात करें दूसरी टीम बीसीसी की, तो यहाँ पर देख सकते हो ये लास्ट 6 मैच के लिए टीम 4 मैच विन किए, 1 मैच हारी और लास्ट का मैच ना नॉट रिजल्ट रहा था। लास्ट मैच विनिंग की थी साजिब भुइया ने, साहिल ग्रोवर ने। साजिब भुइया की बात करें 1 विकेट 103 नॉट आउट 1 विकेट 15 1 विकेट 14 1 विकेट 2 विकेट और 2 रन है। यहाँ पर क्या हुआ था लास्ट के मैच में ना ये बैटिंग ही कर पाए थे, बॉलिंग का इन्हें मौका नहीं दिया गया था क्योंकि लास्ट मैच नॉट रिजल्ट रहा था। बट अच्छा ऑप्शन है एस भुइया, क्योंकि आपको बॉलिंग करेगा तो प्लस पॉइंट दे के जाएगा। साहिल ग्रोवर 0, 51, 32, 35, 40 और 23 रन। पहला मैच ही ऐसा जो कुछ नहीं कर पाए, बाकी 5 मैचों में अच्छी बैटिंग की है। जायद महमूद 57, 9 बैटिंग 8, 25, 47, 35 नॉट आउट। 2023 में T10 के 15 मैच में ना 288 रन है, 36 का एवरेज है। वेंकट स्वामी की बात कर लें 33, 9 बैटिंग 30, 9, 5 और 9 बैटिंग है। हामिदुल्ला 0 विकेट 9 बैटिंग 18 नॉट आउट 1 विकेट 1 विकेट और 9 बैटिंग है। सकलेन मुख्तार की बात कर लें 9 बैटिंग 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट और 9 बैटिंग है। कमलदीप सिंह यहाँ पर रिकॉर्डिंग का एक ही मैच में विकेट निकाला इन्होंने, बाकी टोटल फ्लॉप रहा है। दिनेश ठाकुर 9 बैटिंग है, टी10 के 2 मैच में 0 विकेट है। आकिब उलक 9 बैटिंग। इमरान उलक की बात करें तो यहाँ पर पूरे 5 मैचों में 9 बैटिंग रहा है। अब्दुल पहाद 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट और 9 बैटिंग है। पहले 3 मैच में ही विकेट निकाले, पर लास्ट के 3 मैचों में इनका रिकॉर्ड फ्लॉप रहा है। बात कर ले बेंच की, तो बेंच में जो भी खेलता है जानकारी आपको टेलीग्राम पर ही मिलने वाली है। तो वीडियो आपको पूरा देखना है तभी आप अपनी बेहतर टीम बना पाओगे। जैसे यहाँ से ना सुरेंद्र प्रसाद अच्छा ऑप्शन है, खेलेगा तो टीम में जरूर मौका दूंगा। देख लेते हैं स्टार्टिंग और डेथिंग ओवर। स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे यहाँ से एस भुइयान, एस मुख्तार, रविंद्र बिष्ट। डेथ के ओवर डाले जाएंगे यहाँ से एस भुइयान, निर्मल कुमार, हमीदुल्ला। जो डेथ में बॉलिंग करेगा वो हमेशा आपके लिमिटेड रहने वाले हैं। तो यहाँ पर वीडियो का एनालिसिस वाला पार्ट चुका है कंप्लीट। चलते हैं अपने डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम की तरफ जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाके सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम चलते हैं अपनी डेमो टीम की तरफ।
डेमो टीम देख ले, डेमो टीम अपने विकेट सेशन करने वाला एम रतुल को, एस ग्रोवर, जेड महमूद, डेनियल स्टेल को। बैटिंग सेशन से एन कैंडले, एच उल्हा को। ऑलराउंड सेशन से एस बुयान, एस एन गुप्ता, एम खान को। बॉलिंग सेशन से ए पहाद, एस रामराव को कैप्टन करूँगा, एस बुयान वाइस कैप्टन करूँगा, यहाँ से एम रतुल को। बट ये मेरी फाइनल टीम बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ मेरी डेमो टीम है। फाइनल टीम आपको बैटिंग ऑर्डर जाने के बाद में ही दे पाऊंगा। अगर आपको स्टेडियम में अच्छी विनिंग कर देना तो आपको लेट नहीं होना है, आपको जाना है टेलीग्राम पर और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि ना इस लीग का आज ये लास्ट दिन होने वाला है। तो इस लीग के हमने काफ़ी मैचों में अच्छी विनिंग की है, तो जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरे जहाँ कमेंट करते हो वहाँ पर ऊपर आपको पिन के ऊपर मिल जाएगा। तो जैसे हमारे कमेंट पर क्लिक, आप टेलीग्राम चैनल पहुँच जाओगे, वहाँ ज्वाइन हो सब के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद आपको हमारी वीडियो देखने के लिए।